Hello students, good morning. This video lecture is for starfish part 1. Starfish part 1 में हम starfish के general habit, habitat को study करेंगे. इसके अलावा हम इसके systemic position को देखेंगे और morphological features को study करेंगे. तो पूरा जो content है आपका जो starfish है उसमें हम क्या-क्या study करेंगे. History of Asteraceae, habit and habitat of Asteraceae, External features of Asteraceae's body wall, endoskeleton, coelom, digestive system, water vascular system, locomotion, circulatory system of Asteraceae's, respiratory and excretory system of Asteraceae's, nervous system, sense organs, and then reproductive system of Asteraceae's, life history and development, regeneration and autonomy of Asteraceae's. तो ये पूरा आपका जो है इसको हमने सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिक्स वीडियोस में डिवाइड किया है. तो जो पार्ट वन है हम उसमें हैबिट, हिस्ट्री, एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे. अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो एस्टेरेसिस जो है इसको स्टारफिश भी कहा जाता है एंड द नेम ऑफ स्टारफिश इज समवॉट मिसलीडिंग सजेस्टिंग दैट इट इज़ इन अ स्टार. लेकिन ये हमें पता है कि स्टारफिश जो है ये आपका एस्टेरिडी क्लास को बिलोंग करता है और आपके ये इकाइनोडर्मेट्स में आते हैं. तो जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, वहाँ पे लिविंग एंडोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है. पूरी बॉडी जो होती है वो लोब्स में डिवाइडेड रहती है. इसके अलावा ये कैसे होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है ड्यूटेरोस्टोम्स, जिसमें ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इसके अलावा सबसे एडवांस्ड आपके इन्वर्टिब्रेट माने जाते हैं. इसलिए जितने भी आपको इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाई देंगे वो जितने भी आपने फाइलम होते हैं आपके इन्वर्टिब्रेट्स में उन सबसे ज़्यादा एडवांस आपको इसमें कैरेक्टर्स नज़र आएंगे. हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एस्टेरेसिस, एस्टेरेसिस एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स होते हैं. इकाइनोडर्मेट्स में जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स होते हैं. बॉटम ड्वेलिंग होते हैं, बैंथिक एनिमल्स होते हैं. इनहेबिटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बॉटम्स मेनली इन द लिटोरल जोन वेयर दे क्रॉल अबाउट एंड और मे रिमेन क्वेश्चन एट द टाइम. The most species of the Asteraceae are generally solitary, but under certain ecological conditions, such as to avoid the direct sunlight, excessive drying, mainly individuals may gather it at some places for the purpose of protection. तो इस तरह से इनमें हैबिट एंड हैबिटेट का देखते हैं तो एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स होते हैं और मैराइन एनिमल्स भी अपने आप को कहाँ पे सेटल डाउन करेंगे, जहाँ पे कि उनको प्रॉपर एक अपना फीडिंग प्रॉपर फीडिंग या प्रॉपर आपको नरिशमेंट है, प्रॉपर इनकी जो भी इकोलॉजिकल कंडीशंस है जहाँ पे ये फ्रीली रह सकते हैं, अच्छी तरह से अपने लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, तो उस तरह के हैबिटेट में ही रहना पसंद करते हैं. Many species of Asteraceae exhibit various type of biological relationship such as parasitism and commensalism. इस तरह से इनमें parasitism and commensalism भी पाई जाती हैं. Starfish जो होती है इनमें direct development नहीं होता है, इसमें indirect development होता है. तो developmental portion जो है वो भी इनका काफ़ी important होता है. External features of starfish. Asteraceae has rapidly symmetrical, readily symmetrical होता है. ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, bilateral symmetrical होते हैं. Normally जो अगर हम कहेंगे इन्हें तो bilateral symmetrical होते हैं, लेकिन secondary adaptation में जो होती हैं इनमें कैसा होता है, asymmetric हो जाते हैं. ये क्यों हो जाते हैं, radial symmetrical किस तरह से present होती है, क्योंकि starfish में क्या होता है कि 5 lobes present होते हैं या 5 इसमें आर्म्स प्रेजेंट होती हैं. 5 आर्म्स होने की वजह से इनमें बाय रेडियल सिमेट्री जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं. लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि इसमें किस तरह की सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो हम इसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं. लेकिन पेंडा रेडियल सिमेट्री जो होती है ये इनके एक सेकेंडरी अडेप्टेशन में मानी जाती हैं. The body consists of a central pentagonal central disc from which radii out to 5 longitudinal tapering symmetrical based projections. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक central disc होती है और central disc के साथ 5 इसमें arms निकली हुई होती हैं. 5 arms होने की वजह से हम जो है इसको starfish कहते हैं.
स्टारफिश जो होती है एक्चुअल में आर्म्स की जो रेंज होती है वो अलग अलग हो सकती है. स्टारफिश स्टारफिश में 5 होती हैं, बाकी जो होती हैं उसमें इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं सोलस्टर जो होता है उसमें 7 to 14 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं. साइज भी इनका अलग अलग तरीके से वेरी करता है. लोअर सर्फेस जो होती है, अब इनकी सर्फेस जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, ओरल एंड एबोरल सर्फेस. ओरल सर्फेस जो होती है जिसमें माउथ प्रेजेंट होता है, एंड एबोरल सर्फेस जो होती है वो जिसमें कि एनस प्रेजेंट होता है. तो ओरल सर्फेस कैसी होती है, वेंट्रल होती है, लोअर सर्फेस होती है, लेस पिगमेंटेड होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओरल या एक्टिनल सर्फेस. ओरल एंड एबोरल सर्फेस आर नॉट वेंट्रल एंड डोर्सल सर्फेस बट करस्पॉन्डिंग टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बाइलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हो, बट अगर हम जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहते हैं कि ओरल सर्फेस जो होती है ये वेंट्रल होती है, माउथ जो होता है इसका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि एनस जो होती है वो इसकी डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है. एक्सिस ऑक्यूपाइड बाय द आर्म्स आर नोन एज रेड आई एंड द रीजन ऑफ द सेंट्रल डिस्क बिटवीन द आर्म्स आर इंटर रेड आई. ठीक है, तो इसमें जहाँ पे सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है उसे हम आर्म्स कहते हैं, एक्सिस रेड आई कहते हैं, और आर्म्स आर इंटर रेड आई. ठीक है, तो इसमें रेड आई के बीच बीच में आर्म्स इसमें प्रेजेंट होती हैं. यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट है, इसके अलावा इसमें 5 आर्म्स निकली हुई हैं. ये इसका ओरल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है जिसमें कि हम माउथ को क्लियर देख पा रहे हैं. इसके अलावा इसमें बहुत सारी अदर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इसकी स्पेशल स्पेशलिटी होती है, इनको हम डिटेल में देखेंगे. इसके बाद हम देखते हैं एबोरल सर्फेस, द साइड ऑफ द बॉडी विच रिमेन डायरेक्टेड अपवर्ड और टूवर्ड द अपर सर्फेस कॉन्वेक्स एंड लाइट ऑरेंज और टू पर्पलिश कलर, इसको हम क्या कहते हैं, एबोरल सर्फेस. तो एबोरल सर्फेस जो होती है ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है और एबोरल सरफेस पे एनस प्रेजेंट होता है. तो एबोरल सरफेस पे हमें एनस नजर आता है. ठीक है, इसके अलावा मेड्रिपोराइट्स प्रेजेंट होती है. मेड्रिपोराइट अगेन इज स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द इकाइनोडर्मेट्स. तो एबोरल सरफेस जो होती है ऑफ द सेंट्रल डिस्क, इसमें एक एसिमेट्रिकल ग्रूव प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं मेड्रिपोराइट और मेड्रिपोराइट प्लेट. तो मेड्रिपोराइट जो होता है ये बेसिकली इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होता है और इनके लोकोमोशन से रिलेटेड होता है, जिसे हम इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में डिटेल से स्टडी करेंगे. सर्फेस ऑफ द मेट्रिपोराइट इज मार्क्ड बाय नंबर ऑफ रेडिएटिंग नैरो स्ट्रेट स्लाइटली वेवी ग्रूव, जिसे हम कहते हैं मेट्रिपोराइट ग्रूव. द मेट्रिपोराइट इज दस अ सीव लाइक पोरस प्लेट एंड इट लीड्स टू द स्टोन कैनाल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम. तो जब हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम को डिटेल में देखेंगे तो वहां पे हम ये देखेंगे कि मेट्रिपोराइट किस तरह से वाटर वेस्कुलर सिस्टम से अटैच रहता है. ये एक्चुअली कुछ प्लेट होती है जिसमें कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वाटर जो होता है वो अंदर की तरफ जा सकता है. नंबर ऑफ मेट्रिपोराइट टू एन इंडिविजुअल द रिमेन सेम बट द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन मेट्रिपोराइट इन सम स्पीशीज ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ आर्म्स बियॉन्ड द नॉर्मल नंबर ऑफ 5. तो अगर एक कुछ स्पीशीज जहाँ पे कि आर्म्स के नंबर जो है वो ज़्यादा हैं, तो आर्म्स के नंबर ज़्यादा होने की वजह से मेट्रिपोराइट का नंबर जो है वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग वेरी कर सकता है, लेकिन जो जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल फंक्शन है मेट्रिपोराइट का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. द टू आर्म्स हैविंग अन मेट्रिपोराइट बिटवीन द बेसिस आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज बाईवीएम. तो वो जो दो आर्म्स जिनके बीच में मेट्रिपोराइट प्रेजेंट होता है उसे हम बाईवीएम कहते हैं, और इसके अलावा जो आर्म्स होती हैं उसे हम ट्राईवीएम कहते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे जो है रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. स्पाइंस, एंटायर बॉडी एबोरल सर्फेस इज कवर्ड बाय द विद न्यूमरस शॉर्ट स्टाउट ब्लंट कैलकेरियस स्पाइंस और ट्यूबरकल्स. द स्पाइन आर वेरिएबल इन साइज एंड आर अरेंज्ड इन इररेगुलर रो रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द आर्म्स. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पाइंस जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं साइज में, इररेगुलर होते हैं और पैरेलल रन करते हैं. द स्पाइंस आर सपोर्टेड बाय द इररेगुलरली शेप्ड कैलकेरियस प्लेट्स और ओसेकल्स विच रिमेन ब्यूरीड इन द इंटेग्यूमेंटल एंड फॉर्म द एंडोस्केलेटन. तो यहाँ पे स्पाइंस जो है प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके एंडोस्केलेटन को बनाते हैं. नेक्स्ट इज द गिल्स, बिटवीन द ओसाइकल्स ऑफ द इंटेग्यूमेंट आर प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट डर्मल पोर्स
And each dermal pore project out a very small delicate tubular conical finger like thread like structure, जिसे हम क्या कहते हैं dermal branchia और gill pouches. तो dermal branchia जो है ये कैसे होते हैं, finger like outgrowth होती है skin की जो कि आपके spines के बीच बीच में present होते हैं. क्योंकि respiration जो है वो whole body surface से होता है, इसलिए dermal branchia जो है ये oral और aboral दोनों ही surface पे present रहते हैं. Pericillaria, besides the spines and gills, entire body surface is covered by many whitish modified spine like tiny pincers or jaws. इनको हम क्या कहते हैं, पेडिसिलेरिया इनमें प्रेजेंट होते हैं. एंड द ओरल सर्फेस ऑल्सो बियर्स पेडिसिलेरिया. ईच पेडिसिलेरिया कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग और शॉर्ट स्टाउट फ्लेक्सिबल स्टॉक हैविंग नो इंटरनल कैलकेरियस सपोर्ट. तो इनमें किसी भी तरह का कोई कैलकेरियस सपोर्ट नहीं होता है. The stalk between three calcareous calcareous ossicle or plate, a bacillus plate extremely of the stalk and jaw are valves. तो पेडिसिलेरिया की डिटेल स्ट्रक्चर के आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि पेडिसिलेरिया का यूज क्या है और पेडिसिलेरिया जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो बेसिकली पेडिसिलेरिया जो है ये आपके लोकोमोशन से रिलेटेड होते हैं. इसमें कैलकेरियस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. यहाँ पे हम तीनों स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं. पेडिसिलेरिया जो है ये आपके क्लस्टर्स ऑफ पेडिसिलेरिया है. देन ट्यूबरकल आपका प्रेजेंट है एंड स्ट्रेट टाइप ऑफ पेडिसिलेरिया. एंड सी जो स्ट्रक्चर है ये आपके क्रॉस टाइप ऑफ पेडिसिलेरिया प्रेजेंट होते हैं. तो पेडिसिलेरिया जो है ये बेसिकली आप देख सकते हो डर्मल ब्रेंकिया प्रेजेंट है जो कि आपके ओरल एंड एबोरल दोनों सर्फेस पर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन ट्यूबरकल और स्पाइन्स प्रेजेंट है. इसी साथ में आपको ट्राई रेडिएटेड पेडिसिलेरियाज प्रेजेंट होती हैं. तो इसमें दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्ट्रेट पेडिसिलेरियाज एंड क्रॉस टाइप ऑफ पेडिसिलेरिया. स्ट्रेट टाइप ऑफ पेडिसिलेरिया जो है देर आर टू और जॉज और मोर देन लेस स्ट्रेट अटैच्ड बेसिली टू द बेजल पीसेज. देन व्हेन क्लोज्ड दे रिमेन पैरेलल एंड मीट थ्रू आउट देयर लेंथ एंड द टू जॉज वर्क अगेंस्ट वन अनादर लाइक द ब्लेड ऑफ ए फोर्स विद द हेल्प ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ मसल्स. एंड क्रॉस टाइप ऑफ पेडिसिलेरिया जो है इसमें इन द क्रॉस टाइप ऑफ पेडिसिलेरिया द बेजल एंड ऑफ द टू जॉज क्रॉस ईच अदर लाइक द मैंडिबल ऑफ ए क्रॉस बिल सो दैट द बेजल पीस ऑफ ईच एनक्लोज्ड बिटवीन द क्रॉस्ड पोर्शन. ठीक है, तो इस तरह से मसल्स के इसमें क्रॉसिंग की वजह से हम इसे क्रॉस्ड पेडिसिलेरिया कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश, जिसमें हमने इसके हैबिट हैबिटाट को देखा, जनरल मॉर्फोलॉजी को देखा, ओरल एबोरल सर्फिस को समझा और वहाँ पे किस तरह के कोई स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस नज़र आते हैं ये हमने सब सीखा. थैंक यू.